जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आर्टिकल 370 अस्थाई था। राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सोमवार को ये फैसला सुनाया। सीजेआई चंद्रचूड ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता भी बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए। चीफ जस्टिस बोले, केंद्र के हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। सीजेआई ने कहा कि केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता जिसमें बदलाव ना किया जा सके। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। सीजेआई ने बताया कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट है। एक फैसला चीफ जस्टिस जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है। दूसरा फैसला जस्टिस कॉल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत हैं। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया। इसके खिलाफ 23 याचिकाएं मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया। कोर्ट रूम अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड, जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कॉल और जस्टिस खन्ना शामिल हैं। सोमवार को सभी जजों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। फैसला सिर्फ सीजेआई चंद्रचूड ने पढ़ा। सीजेआई ने कहा कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन वैध था या नहीं इस पर हम विचार ही नहीं कर रहे क्योंकि इसे किसी ने चुनौती नहीं दी थी। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र की ओर से लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। संविधान का आर्टिकल 370 अस्थाई था। इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। जम्मू कश्मीर युद्ध की स्थिति के कारण अंतरिम तौर पर इसे लाया गया था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को कभी भी परमानेंट बॉडी बनाने का इरादा नहीं था। जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए आर्टिकल 370 लागू किया गया था उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की उद्घोषणा की वैधता पर फैसला देने की जरूरत नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती नहीं दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने जब भारत में शामिल हुआ तो इसकी संप्रभुता नहीं रह जाती है।